आपने जिस तरह बात की कि ड्यूरिंग कोविड ऐसी कंपनीज थी जो कि जो डिजिटाइज थी, जिसके पास आईटी टीम था और आईटी प्रोसेसेस थे, तो वो इतने इफेक्ट नहीं हुए हैं। वो वर्क फ्रॉम होम और इस तरह के मुख्तलिफ तरीकों से वो अपने जो सिस्टम्स और ऑपरेशंस थे उनको मैनेज कर सकते थे, जो कि कन्वेंशनल और पेपर के ऊपर जा रहे थे। तो वो कंपनीज तकरीबन हम कह सकते हैं कि 50% ऐसी कंपनीज हैं जो कि उस टाइम पे शट डाउन हो गए थे। तो डिजिटाइजेशन जो है वो तो आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा एक उसमें आया कि ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने करनी है, अवेयरनेस आ गई है लोगों में, कंपनीज में, कि हम हर जो प्रोसेस है उसको डिजिटाइज कर लें। मेन जो है, मैं इस पे तो काफ़ी ये एक बहुत बड़े वो है कि डिजिटाइजेशन कैसे कर ले। मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये एक तो ये है कि कंपनीज ज़्यादातर जब डिजिटाइजेशन स्टार्ट कर लें तो मिड लेवल के ऊपर वो फेल हो जाता है, या वो उस तरीके से जो उसके ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो उसकी गोल्स होते हैं वो अचीव उसी तरह नहीं होते हैं। उसका मेन रीजन एक ही है कि उनके पास मैनुअल सिस्टम नहीं होता, या आप एक मैनुअल सिस्टम को डायरेक्ट आप डिजिटाइज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको वो बताऊंगा कि हमने ये किया था कि पहले हमारे पास मैनुअल सिस्टम था, फिर हम पेपरलेस पे गए। पेपरलेस में ये है कि आप पेपर बनाते हो, उसके ऊपर अप्रूवल लेते हो, उसको आप स्कैन करते हैं और सिस्टम में लगाते हैं। तो ये एक प्रोसेस था जो कि लोग थोड़े से अवेयर उसमें आ गई, थोड़ा सा ट्रेन वो हो गया और लोग विलिंग थे कि हम जो हैं वो सिस्टम्स के ऊपर आ जाएं। फिर उसके बाद फिर हमने जो जो पेपर था जो मैनुअल अप्रूवल उसके ऊपर बाद होती थी, तो उसको हमने डिजिटाइज तरीके से कर लिया और वो एक एप्लीकेशन या सैप के थ्रू या उसके थ्रू हम उसके अप्रूवल लेते थे। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये इस तरह नहीं है कि 1 साल या 2 साल में ये कंप्लीट हो के आप क्लोज कर लेंगे और आप पूरा सिस्टम्स को डिजिटाइज करेंगे, ये बिल्कुल भी इसी तरह नहीं है। इसके अलावा जो आपका तो ये आपके पास मैनुअल्स द्वारा के SOPs जो होते हैं एक्चुअली वो आपके पास रेडी होनी चाहिए कि आपका क्या प्रोसेस है। आपके पास BFDs होनी चाहिए, फ्लो चार्ट्स आपके प्रोसेसेस के होनी चाहिए। सेकंड ये है कि जो डिजिटाइजेशन के लिए आप हायर करते हैं कंसल्टेंट्स, जो बायर से आप हायर करेंगे, तो उन पे आपने ये देखना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या उन्होंने जो क्लाइंट पे या जो पहले से उन्होंने सर्विसेज दी हुई है, क्या वो उनसे सेटिस्फाइड हैं, उसका फीडबैक लें। थर्ड ये है कि मोस्टली लोगों के पास टीम नहीं होता। लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आप डिजिटाइज चीज़ों को कर ले तो आपको आईटी टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आपको लोगों के आईटी में लोगों को की ज़रूरत नहीं होती, या बहुत कम एचआर आपको वो करना पड़ेगा, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटाइजेशन पे आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आपको टीम बनानी होती है डेली आपके, बल्कि डेली अपग्रेडेशन। जैसा आईटी में एक मसला है कि वो बहुत रैपिडली चेंज होता है, आज कुछ और है, कल अच्छा, कुछ और है, महीने बाद कुछ और होगा, साल बाद कुछ और होगा।